नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं हूँ नई रेसिपी लेकर। तो रेसिपी में दोस्तों हम बनाएंगे मटर का बहुत ही अच्छा नाश्ता। तो चलिए चलते हैं हम चूल्हे के पास रेसिपी बनाने के लिए। चूल्हे के पास हम आ चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने मटर लिया हुआ है। मटर को हमने पहले से अच्छी तरह से छीलकर साफ कर लिया है दोस्तों। जो ठंड में है मटर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है दोस्तों। तो आज हम इसी की रेसिपी आपको बनाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने हरा वाला लहसुन लिया हुआ है एक पीस, थोड़ी सी हरी धनिया ली है, एक हरा मिर्च लिया है, अदरक लिया है हमने थोड़ी सी, और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए हमने जीरा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, नमक लिया है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है दोस्तों, और सरसों का तेल लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे में आग को जला लेते हैं। आग को हमने जला लिया है। अब हम रखेंगे कढ़ाई को। अब इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है दोस्तों, तब तक हम अदरक लहसुन और धनिया की पत्ती और हरे मिर्च का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है दोस्तों। अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। तो जीरे को हम थोड़ा सा चटकने देंगे। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन और मिर्च का धनिया पत्ती का पेस्ट। तो इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसी के साथ में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे हम मटर दाना और इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मटर का दाना है जो दोस्तों बहुत जल्दी पक जाता है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। तो थोड़ी देर तक इसे हम पकाएंगे मटर को। जब हमारा मटर पक जाएगा तो इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो मटर को पकने के लिए दोस्तों हम एक थाली से इसे ढक देते हैं। तो जब तक हमारा मटर पक रहा है दोस्तों, नीचे भैया जी आए हैं एक चिप्स बेचने के लिए। तो हम चलते हैं थोड़ा सा बच्चों के लिए चिप्स खरीद लेते हैं। बार बार आपकी गली में आपके मोहल्ले में धूम मचाने वाला ये हापुड़ के कुरकुरे, चलो आपके दरवाजे के सामने हरी राम भैया और मसालेदार है। घर में आए हो मेहमान, आप पढ़ाना चाहते हो अपनी मसालेदार कुरकुरे। तूने काजल दोस्ती, क्योंकि यही तो हमारी जिंदगी भर की कमाई है। बगिया में फूल बहुत से हैं, मगर गुलाब जैसा नहीं। कुरकुरे तो बहुत से हैं, मगर तो चिप्स को हम खरीद कर आ चुके हैं दोस्तों। अब हम मटर का ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे मटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है दोस्तों। तो इसे अब हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। तो मटर के सलोनी को हमने नीचे उतार दिया है दोस्तों। अब इसमें डालेंगे हम धनिया पत्ती को काट कर।
तो धनिया पत्ती को हमने डाल दिया हुआ है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो दोस्तों मटर का नाश्ता ये बन चुका है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसे हमारे गांव में मटर की सलोनी भी कहते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों ये हल्का फुल्का नाश्ता हम लगभग रोज ही बनाकर खाते हैं। तो दोस्तों आज की मटर की सलोनी हमारी बनकर तैयार है। दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।